सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तांगम समुदाय और तांगम भाषा से जुड़ी एक किताब जारी की। इस किताब का शीर्षक तांगम्स एंड इथोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। पुस्तक को रिलीज करते वक्त अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये किताब तांगम समुदाय की भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगी। डीएनएस में आज हम आपको तांगम समुदाय और तांगम भाषा के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ दूसरे अहम पहलुओं को भी। तांगम अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति के भीतर उपसमूह के रूप में एक समुदाय है। इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। ये समुदाय अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गाँव कुगिंग में रहता है, जहाँ वर्तमान में तांगम भाषा बोलने वाले मात्र 253 लोग ही बचे हैं। कुगिंग गांव अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में पैंटम सर्कल में स्थित है। इसके चारों ओर आदि जनजाति के शिमोंग और मिनियोंग्स जैसे उपसमूह समेत खाम्बस के बौद्ध आदिवासी समुदाय वाले गांव मौजूद हैं। चूंकि तांगम समुदाय की आबादी केवल एक गांव तक ही सीमित है, इसीलिए ये लोग अब शायद ही कभी अपनी भाषा बोलते हैं। तांगम लोगों को अपने पड़ोसी गाँव के लोगों से बातचीत के लिए पड़ोसियों की ही भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें शिमोंग, खम्बा और हिंदी जैसे भाषाओं का इस्तेमाल शामिल है। इससे तांगम लोग बहुभाषी हो गए हैं। भाषा की विविधताओं के चलते यहाँ की ज्यादातर भाषाएं अंग्रेजी आसामी और अरुणाचली हिंदी पर निर्भर हो गई। यानी ये तीन भाषाएं यहाँ के लोगों के लिए लिंक लैंग्वेज का काम करने लगी। इसीलिए ये भाषाएं अब धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। यूनेस्को के वर्ल्ड एटलस ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेज 2009 के मुताबिक तांगम एक मौखिक भाषा है जो तिब्बती बर्मन भाषा परिवार के अंतर्गत तानी समूह से संबंधित है। इसे यूनेस्को के वर्ल्ड एटलस ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेज में गंभीर रूप से लुप्त प्राय यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश की भाषाओं को चीनी तिब्बती भाषाई परिवार के तहत वर्गीकृत किया गया है। इन भाषाओं को आगे भी तिब्बती बर्मन और ताई समूह के तहत वर्गीकृत किया गया है। मसलन लोलो बर्मिश, बौद्धिक, साल, तानी, मिशमी, हरिश और ताई आदि। तांगम के अलावा अरुणाचल प्रदेश की दूसरी भाषाएं जैसे कि मेयोर आदि अब खतरे की जद में हैं। मौजूदा वक्त में मेयोर भाषा बोलने वालों की तादाद मात्र 1000 रह गई है। वैसे तो अरुणाचल प्रदेश की ढेर सारी भाषाओं का अब क्षरण हो रहा है, लेकिन बड़ी भाषाओं के मुकाबले छोटी भाषाएं ज्यादा खतरे में हैं, क्योंकि भाषा की हानि सांस्कृतिक क्षरण यानी कल्चरल इरोजन का कारण है। इसीलिए जरूरी है कि भाषा को बचाने के लिए बेहतर प्रयास किए जाएं।